हेलो दोस्तों, आज हम लोग एस्टीमेट की क्लास में सेकंड मेथड सेंटर लाइन मेथड पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, अभी पढ़ेंगे हम लोग सेंटर लाइन मेथड। ये भी मस्त बढ़िया मेथड है, देखते हैं इसके कैसे कैसे इसके साथ होगा, कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। इन दिस मेथड नोन एज सेंटर लाइन मेथड, सम टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ वॉल्स लॉन्ग एंड शॉर्ट हैज़ टू बी फाउंड आउट। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन्स ऑफ वॉल्स ऑफ सेम टाइप लॉन्ग एंड शॉर्ट हैविंग सेम टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड फुटिंग, एंड देन फाइंड द क्वान्टिटीज बाई मल्टीप्लाइंग द टोटल सेंटर लेंथ बाई द रिस्पेक्टिव ब्रेथ एंड द हाइट। इन दिस मेथड द लेंथ विल रिमेन सेम फॉर एग्जीक्यूशन इन फाउंडेशन, फॉर कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, फॉर ऑल फुटिंग एंड सुपर स्ट्रक्चर वेन देर आर क्रॉस वॉल और नंबर ऑफ जंक्शंस। दिस मेथड इज क्विक बट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड कंसिडरेशन एट द जंक्शन मीटिंग पॉइंट ऑफ पार्टीशन आर क्रॉस सेक्शन वॉल्स। सेंटर लाइन मेथड में हम लोग पूरी वॉल्स का, चाहे लॉन्ग वॉल हो या शॉर्ट वॉल हो, उनका सेंटर लाइन निकालते हैं और उन सेंटर लाइन को ऐड कर लेते हैं। और हमें अटेंशन, ध्यान देने की वहाँ पर ज़रूरत होती है जहाँ पर टी सेक्शन बन रहे हों या फिर कॉर्नर सेक्शन बन रहे हों या फिर वहाँ पे जहाँ पे पार्टीशन वॉल या वॉल आके जुड़ रही होती हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी एक रूम की वॉल्स हैं। ठीक है, ये वॉल्स हैं। अब इसमें मैं सेंटर लाइन दे देता हूँ, इस लाइन की सेंटर लाइन, इस लाइन की, इस वॉल की सेंटर लाइन, इस वॉल की सेंटर लाइन और इस वॉल की सेंटर लाइन। ठीक है, सारा सेंटर वॉल लाइन हम लोग ले लेंगे। जैसे ये हमने बताया आपको, ये 5 मीटर है इनर टू इनर, ये 4 मीटर है इनर टू। प्रीवियस क्वेश्चन को ही लिया हमने, जिससे कि ये देख सकेंगे हम लोग क्वांटिटी सही आती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 5.30 मीटर, बिकॉज 30 सेंटीमीटर वॉल है, इधर भी 30 सेंटीमीटर वॉल है, तो 0.15 इधर से ऐड होगा, 0.15 इधर से ऐड होगा। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5.30 मीटर। एज इट इज़ इधर कितना हो जाएगा, 4.30 मीटर। सेम थिंग ऊपर भी कर लेंगे। अब ध्यान देने योग्य देखिए बात क्या है। अब जब हम लोग फाउंडेशन की खुदाई करेंगे, इसमें जब फाउंडेशन के लिए चलेंगे तो इसमें हम लोग इस सेंटर लाइन से, 90 सेंटीमीटर का थिकनेस का होता है फाउंडेशन का गड्ढा, तो 45 सेंटीमीटर इधर लेंगे हम लोग, और भी कहाँ से लेंगे, इस सेंटर लाइन से। सेंटर लाइन से इसमें बाहर नहीं जाना है, ये लेंगे हम लोग, ये आपका गया 45 सेंटीमीटर इधर और 45 सेंटीमीटर इधर नीचे, ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ये सेंटर लाइन। तो ये चीज़ हमारी इतनी मिट्टी निकलेगी 90 सेंटीमीटर के थिकनेस में, विड्थ में, ये आपका मिट्टी निकल गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब शॉर्ट वॉल लेंगे, तो शॉर्ट वॉल भी इधर है आपका, इतने तक सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से भी आपका ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे आ गया। ध्यान समझिएगा, ये भी कितने विड्थ है इसके भी, 90 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन की खुदाई कर रहे हैं। उसके बाद इस वॉल की बात करें तो ये भी आपका 45 सेंटीमीटर इधर, 45 सेंटीमीटर इधर, इधर जाएगा कहाँ तक, सिर्फ सेंटर लाइन तक जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सेंटर लाइन तक गया ये कल, ये आपका मिट्टी निकल गया कितना, 90 सेंटीमीटर थिकनेस में। ठीक, ऐसे इधर भी गया, यहाँ पे ये सेंटर लाइन तक आएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये भी इसका मिट्टी निकल गया 90 सेंटीमीटर के थिकनेस में, ये मिट्टी आपका निकल लिया गया। अब आप एक चीज़ बताइए, देखिए इसमें ये जो पॉइंट है, देखिए ये जो कॉर्नर हैं,
ये जो कॉर्नर इतने हैं, ये यहाँ पे छूट गया, इतना ही यहाँ पे छूट गया, इतना ही यहाँ पे छूट गया, इतना ही यहाँ पे छूट गया, तो भाई इसका अलग से करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए जब हम यहाँ पे इस वॉल को ले रहे थे, इधर इधर वॉल को लिए, तो ये वाला कॉर्नर आया कि नहीं आया यहाँ पे? ये वहाँ पर ये कॉर्नर सेंटर से ये वाला कॉर्नर एक बार हो गया। जब हम लोग इधर की वॉल का खुदाई कर रहे थे तो ये पुनः खुदाई में आ गया। तो जो दो बार ये हो जा रहा है तो उसका एक बार कंसिडर हम लोग यहाँ का कर लेते हैं। क्वांटिटी तो सेम रहेगी, या तो यहाँ पे एक माइनस करके इसको जोड़ दें, लेकिन हमारा दो बार यहीं पर हो जा रहा है और सेम थिंग होती है, उतना ही 45 इधर 45 इधर, वही चीज़ 45 है 45 ये है। तो ये दो बार हर जगह दो बार होगा, क्योंकि दोनों जगह से वॉल आ रही, तो हर जगह दो दो बार होगा। तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, माइनस नहीं करते हैं, नहीं ऐड करते हैं। ये चीज़ दो बार हो रही है तो यहाँ का दोनों का मिला के हो जा रहा है, यहाँ का मिला के हो जा रहा है, यहाँ यहाँ का मिला के, यहाँ यहाँ का मिला के हो जा रहा है। इसीलिए न इसमें कुछ माइनस करते हैं न कुछ प्लस करते हैं, सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। तो इसमें ये बात हो गई सेंट्रल लाइन में, ये मेथड है। तो इसमें कुछ ना हमें माइनस करना है, नहीं कुछ प्लस करना है, सिर्फ एक बार हम लोग सेंट्रल लाइन ले लेंगे, उसके बाद काम करते चले जाएंगे। अब जैसे देखिए इसमें सेंटर लाइन वॉल की लंबाई कितनी है, वॉल लेंथ, तो वॉल की लेंथ हो जाए देखिए 5.30 यहाँ पे है, प्लस 4.30 यहाँ पे है, प्लस इधर भी आएंगे तो 5.30 मिलेगा, इधर भी आएंगे तो 4.30 मिलेगा, यानी आपका टोटल हो जाएगा 9.20 मीटर। ये हो गया आपका वॉल पूरा सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ 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 तक, ठीक है। तो अब इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। फाउंडेशन बिल्कुल वहीं से हमें प्रीवियस क्वेश्चन का, जैसे हमने आपको पीडीएफ भेज भी दिया है, वहाँ से फाउंडेशन का आप लोग देख लीजिएगा, मेरे पास तो है ही, मैं कैलकुलेशन करता हूँ इसके आगे। तो इसके लिए पहले एक टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर, आइटम, वर्क, नंबर, लेंथ, बिड्थ, हाइट या डेप्थ, फिर यहाँ पे हो जाएगी क्वांटिटी, यहाँ पे रिमार्क। बहुत ही जल्द बच्चों बोर्ड की व्यवस्था भी की जा रही है, अभी कुछ लॉकडाउन की वजह से कहीं मिल न मिलने की वजह से, कुछ लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से अभी ये थोड़ा सी परिस्थितियों का दौर चल रहा है, बहुत ही जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। पहला जैसे है अर्थवर्क, अर्थवर्क में क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी की खुदाई करते हैं। तो इसमें हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कुछ भी नहीं लेना है, अर्थवर्क करना है इसमें। तो इसमें नंबर कितना हो जाएगा, सिर्फ वन लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वॉल टोटल क्या मान लेते हैं, सेंटर लाइन से वन मान लेते हैं। लेंथ कितना हो जाएगा, 19.20 पूरा सेंटर टू सेंटर 19.20। विड्थ कितना लेना है, 0.90। हाइट डेप्थ कितना लेना है, 0.90। क्वांटिटी हो जाएगा 15.55 क्यूबिक मीटर। अच्छा आप लोगों को एक बार मैं फाउंडेशन की वो दिखाई देता हूँ, एक बार यहाँ पे फाउंडेशन की धरी है, इसका फाउंडेशन ये रहा फाउंडेशन, देखिए एक बार पढ़ ली इसका डायग्राम देख ली, यही डायग्राम है 5 मीटर 4 मीटर, 5.3 4.3 सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। इसमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल लेके चले थे, अब सेंटर लाइन से कर रहे हैं। फाउंडेशन भी देख लीजिए, ये पूरा 90 है और कंक्रीट ब्लॉक 30 सेंटीमीटर यानी 90 पूरा क्या है, ग्राउंड लेवल्स के नीचे का डिस्टेंस है। फिर 40 सेंटीमीटर वाला कितना डिस्टेंस है, 60 है। फिर सुपर स्ट्रक्चर कितना है, 3.5 है। पूरा वर्क यही करेंगे, देखेंगे क्वांटिटी सेम आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपका होगा, अब मैं इधर चलता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अर्थवर्क किया गया, एक वॉल ले लिया गया है, लेंथ टोटल हो गया 19.20, विड्थ 0.90, हाइट डेप्थ कितना हो गया 0.90 ग्राउंड लेवल से नीचे, क्वांटिटी इन तीनों का मल्टीप्लाई किया गया 15.55 क्यूबिक मीटर, ठीक है। दूसरा वर्क आता है आपका कंक्रीट वर्क, कंक्रीट वर्क, ठीक है, कंक्रीट का वर्क आता है जब, तो कंक्रीट वर्क में भी वन करेंगे, सेंटर लाइन हमारा यही रहेगा 19.20 और विड्थ भी 0.90, लेकिन हाइट क्या बन जाएगा, 30 सेंटीमीटर का था, तो ये हो जाएगा 0.30
इनका भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5.18 क्यूबिक मीटर। ओके, थर्ड वर्क होता है ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क में देखिए यहाँ भी फुटिंग आएगी, तो फर्स्ट फुटिंग, फिर सेकेंड, फिर थर्ड फुटिंग, यानी वही आपका प्लिंथ है, प्लिंथ वाल जो उसे बोलते हैं, प्लिंथ, थर्ड फुटिंग के नाम से उन्हें डाल दिया। तो फर्स्ट फुटिंग नंबर तो वही ए वन रहेगा, नंबर हम लोग क्या रखेंगे, वन ही रखेंगे, नंबर वन, सेकेंड वाला भी नंबर वन, ए नंबर एक ही वाल है। मतलब लंबाई कितनी है, सेंटर टू सेंटर लाइन हमारा वहीं चलेगा 9.20। पहली फुटिंग कितनी है, विड्थ है 0.60 का है, फिर 0.50 का है, फिर 0.40 का है, ये भी 19.20 सेंटर लाइन नहीं बदलेंगे, ठीक है। इनका थिकनेस कितना था, इसका भी 0.3 मीटर था, 0.3 मीटर था, इस 40 वाले का 0.60 मीटर था, ड्राइंग में आप लोग देख लीजिएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3.46 क्यूबिक मीटर, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2.88 क्यूबिक मीटर, इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा 4.61 क्यूबिक मीटर। यहाँ तक आया, अब ब्रिक वर्क का टोटल कर देंगे, यहाँ पे फाउंडेशन में टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2, 5, 4, 9, अच्छा इधर से जोड़ेंगे 8, 6, 14, 14, 1, 15, 5 हाथ में लगा 1, 6, 4, 10, 8, 18, 18, 19, 9 हाथ में लगा 1, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 10.95 क्यूबिक मीटर, ये टोटल हमारा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन यानी फुटिंग में है। ये हमारा कॉन्क्रीट वर्क था और ये 15.55 क्यूबिक मीटर अर्थवर्क था, मिट्टी की खुदाई थी। ओके, अब हम लोग सुपर स्ट्रक्चर में भी वर्क कर सकते हैं, सुपर स्ट्रक्चर का निकाल देते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। फोर्थ वर्क होगा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ पे नंबर हो जाएगा, फिर ये लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ, फिर क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे आइटम, ये सीरियल नंबर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, नंबर में तो वन ही रहेगा, लेंथ वही आपका 19.20, सबसे अच्छी बात सेंटर लाइन में ही, एक बार सेंटर लाइन के डिस्टेंस निकाल दीजिए, आराम से पूरे वर्क करिए। बीट तो रहेगा भाई जो ऊपर की वाल है 30 सेंटीमीटर की, तो 0.30 सुपर स्ट्रक्चर में हम पहुंच चुके हैं। हाइट कितनी रखनी है, 3.5 लिखनी है ना, देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पे देखो 3.5 मीटर है और 30 सेंटीमीटर की वाल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 मीटर, इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यह आ जाएगा 20.16 क्यूबिक मीटर, ठीक, इतना आ गया ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में। तो अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे अर्थवर्क, फिर कंक्रीट वर्क, फिर यहाँ पे ब्रिक वर्क इन फुटिंग, या फाउंडेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। देखो अर्थवर्क हमारा आया है कितना, 15.55 क्यूबिक मीटर, कंक्रीट वर्क जो आया है 5.18 क्यूबिक मीटर, ब्रिक वर्क इन फुटिंग आया है 10.95 क्यूबिक मीटर, और सुपर स्ट्रक्चर में आया है 20.16 क्यूबिक मीटर, ये रहा आपका। अब देखो हम लोग उसके उस वास मिलाते हैं, देखो ये रहा
इसका भी एब्स्ट्रैक्ट तैयार किया होगा हमने, यहाँ पे ध्यान से देखो इसको एकदम। देखो फाउंडेशन एक्सवेशन है सॉइल अर्थवर्क, 15.55 क्यूबिक मीटर क्यूब है कि नहीं, 15.55, यहाँ पे देखो 15.55 क्यूबिक मीटर। कंक्रीट वर्क 5.18 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, 5.18, यहाँ भी देखो 5.18 क्यूबिक मीटर है कि नहीं। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन 10.95 क्यूबिक मीटर, यहाँ भी देखो ब्रिक वर्क इन फुटिंग 10.95 क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर 20.16 मीटर क्यूब, यहाँ भी देखो ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर 20.16 क्यूबिक मीटर है ना, एग्जैक्ट एग्जैक्ट आएगा ही। ऐसे कैसे गलत हो जाएगा बच्चों, मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल बड़े आराम से आएगा, ठीक है। और अगर क्वेरी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जूम ऐप से एक मिनट क्लास चलेगा, जूम ऐप में आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। हाँ एक ज़रूरी बात, जूम ऐप से आप लोगों का हमने हम टाइम देंगे, कल बताते हैं टाइम क्या क्या रहेगा, हर टीचर का टाइम रहे एक टाइम शेड्यूल रहेगा। अब वो 10 से 15 मिनट का क्लास चलेगा, उसमें आपको पहले क्या करना है, यूट्यूब वीडियो देख लेना है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो देख करके आपको उससे रिलेटेड क्वेरी पूछनी है जूम ऐप में, ठीक है, या फिर मैं ही जूम ऐप में इन जो चीज़ें यूट्यूब में पढ़ाए हैं उसको एक बार फिर से वहाँ पर समराइज़ कर दिया करूँगा, और जो डाउट रहा करे आप लोग पूछ लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ से रही बात, ये चलते हैं कुछ थ्योरी की क्लास, इसी में हो जाता है। पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स एंड प्रोसीजर फॉर वर्क, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अकाउंट एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर वर्क, कैसे कैसे वर्क होते हैं। पहले तो आता है भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की संस्था, गवर्नमेंट जो जिसे डील करती है, ठीक, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस आप पब्लिक वर्क्स, बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिज, कलवर्ट, कैनाल्स, कनेक्टिंग वर्क्स, डैम, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, दिस टाइप ऑफ वर्क टू बी हेल्ड इन दिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज बाई गवर्नमेंट। द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आर देयर फॉर नोन एज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इस टाइप की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो ये पब्लिक वर्क करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, क्लियर है। तो अब देखिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो है तीन चार शाखाएँ हैं, तीन चार ब्रांचेज हैं वर्क के अकॉर्डिंग। पहला वर्क बताया PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो किसको डील करती है, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, कलवर्ट, कैनाल एट्सेट्रा। फिर आता है कैनाल्स वर्क नहीं, ये दूसरा जाएगा, केवल बिल्डिंग, रोड, ब्रिज एंड कलवर्ट, ये करता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कलवर्ट का मतलब होता है जो नहरों के ऊपर पुलियालियाँ बनती हैं। उसके बाद सेकंड आता है इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट डील्स विद द कैनाल्स एंड वर्क कनेक्टिंग विद कैनाल्स वर्क एट्सेट्रा, कैनाल से रिलेटेड सिंचाई से संबंधित नहर होगी, नालियाँ हो गई, इन सबको इरिगेशन डिपार्टमेंट देखता है। फिर आता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, डील्स विद द सप्लाई वर्क्स, सैनिटरी वर्क्स, जैसे वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवेज सिस्टम, ठीक है, इन सबको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, विच डील्स विद द इलेक्ट्रिफिकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर लाइन्स, कनेक्टिंग वर्क्स एट्सेट्रा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नाउ कम्स अंडर द ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अभी ये सेल्फ एक संस्था हो गई है, ऑटोनोमस हो गई है, ये गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंटेड नहीं रह चुकी है अब इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं PWD के बारे में।
जो हमारे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का वर्क देखती है, ठीक है। तो इसमें देखो पहले आते हैं चीफ इंजीनियर। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, पहले चीफ इंजीनियर, ठीक। चीफ इंजीनियर हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ये PWD के क्या होते हैं, हेड होते हैं। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के, कुछ भी बात होती है तो इन गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगी, इन्हीं से क्वेरी करेगी। ही प्रिपेयर द बजट एस्टिमेट एनुअली रिलेटिंग टू द वर्क्स अंडर हिज कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये क्या बजट एस्टिमेट तैयार कराते हैं एनुअली, हर साल का, कि क्या क्या वर्क कराने हैं, क्या बजट आएगा, ठीक, जो इनके कंट्रोल इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है। ही एक्सरसाइज कंट्रोल विद द अकाउंटेंट जनरल इन मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। इनका अकाउंटेंट जनरल होता है जो मेंटेन करता है अकाउंट को, और इनके ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल मतलब के इनके नियम कानून के तहत। वेन देर आर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क देर आर मे बी रीजनल चीफ इंजीनियर्स, एडिशनल चीफ इंजीनियर एंड डिप्यूटी चीफ इंजीनियर टू असिस्ट द मेन चीफ इंजीनियर आर इंजीनियर इन चीफ। बोलता है कि वर्क जो है इतना ब्रॉड हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ वर्क हो जाते हैं, तो इनको अब डिवाइड कर देता है रीजन वाइज रीजनल चीफ इंजीनियर, ठीक है, रीजनल चीफ इंजीनियर। उसके बाद इसके नीचे अंडर में आ जाते हैं एडिशनल रीजनल चीफ इंजीनियर। फिर नेक्स्ट वन आ जाते हैं डिप्टी चीफ इंजीनियर, ठीक है, जो ये सब किसके किसको फॉलो करते हैं, चीफ इंजीनियर को फॉलो करते हैं। द होल एरिया एंड वर्क अंडर द चीफ इंजीनियर इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ सर्कल्स आर रीजन, ठीक है, विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट। इच सर्कल इज हेडेड बाई अ सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर। बोलता है कि पूरा एरिया जो है रीजनल या फिर सर्कल के रूप में डिवाइड किया जाता है, इच सर्कल के रूप में, और हर जगह के एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बैठाई जाती है जिसका हेड होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल हेड ऑफ द सर्कल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल प्रोफेशनल कंट्रोल ऑफ वर्क इन द सर्कल। उसके सर्कल में जितने भी वर्क होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कार्यवाही होंगी, वो सब उसके देखरेख में होंगे, कौन किसके, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के। और देखिए जैसे PWD होता है, ये हमारी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है शाखा, वैसे ही आती है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हमारा कौन देखता है, सेंट्रल देखता है, इसे स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। इतना हो गया डिवीजन, अब हो गया ये सब बातें। अब इसमें फिर आता है, पहले रीजनल में या फिर सर्कल में डिवाइडेड होता है। अब सर्कल में कौन आता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। अब इसके अंडर में फिर आते हैं, सर्कल को फिर डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ डिविजन्स विच आर द एग्जीक्यूटिव यूनिट। अब किस में डिवाइड होगा, ये एग्जीक्यूटिव यूनिट में, एग्जीक्यूटिव यूनिट में डिवाइड होगा, जहाँ का ये हेड कौन होगा, यहाँ का हेड होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, अधिशासी अभियंता जिसे बोलते हैं, इसे फिर डिविजनल इंजीनियर भी बोल सकते हैं, है ना, डिविजनल इंजीनियर भी। और उसका इस डिवीजन डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीजन, ठीक है, सब डिवीजन, इसको ये जो एग्जीक्यूटिव होता है या डिवीजन होता है, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग सब डिविजनल, ठीक है, सब डिविजन।
इसका जो सुपरिटेंडेंट होता है या इसका जो चार अंडर हेड होता है, ये होता है सब डिविजनल ऑफिसर या फिर सब डिविजनल इंजीनियर, SDO या फिर SDE, सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल इंजीनियर, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शनल इंजीनियर में डिवाइड होगा, सेक्शनल इंजीनियर रहेंगे। अब जो सब डिविजनल ऑफिस होते हैं इनमें तीन सेक्शन होते हैं, एक होता है अकाउंट सेक्शन, एक होता है करस्पॉन्डिंग सेक्शन, एक होता है कंप्यूटर या ड्राइंग सेक्शन। ये जो डिवाइड होगा आपके इसमें होगा अकाउंट सेक्शन, फिर होता है आपका करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस सेक्शन, फिर आता है आपका कंप्यूटर और ड्राइंग सेक्शन, ठीक, कंप्यूटर या ड्राइंग सेक्शन। द अकाउंट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ डिविजनल अकाउंट असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ अकाउंट क्लर्क। अकाउंटेंट सेक्शन में कौन होता है, क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क होते हैं जो अकाउंट का सेक्शन देखते हैं ना, अकाउंटेंट जनरल के एम्प्लॉय होते हैं। द करस्पॉन्डिंग सेक्शन इज हेडेड बाई अ हेड क्लर्क असिस्टेड बाई अ नंबर ऑफ क्लर्क, ऑल करस्पॉन्डेंस इज डन बाई करस्पॉन्डेंस सेक्शन एंड ऑल रिकॉर्ड्स आर केप्ट बाई दिस सेक्शन। जितने ये जो करस्पॉन्डेंस सेक्शन होते हैं ये हेड ऑफ क्लर्क होते हैं, हेड ऑफ क्लर्क, जितने भी क्लर्क होते हैं उनके हेड होते हैं ये, जितने भी क्लर्क होते हैं उनके हेड होते हैं, बड़े बाबू जिसे बोलते हैं, ठीक, बड़े बाबू भैया यही हैं बड़े बाबू सबके, ये खुश तो सब खुश, वरना नाराज हो गए तो कोई बिल वाउचर नहीं लगने वाला, यही आदेश देंगे वहीं अकाउंट सेक्शन से वहीं पास होगा, बिना इनके कुछ नहीं होने वाला, ठीक। पूरा ऑल रिकॉर्ड ये क्या करते हैं, केप्ट ऑल रिकॉर्ड, चाहे ड्राइंग हो चाहे अकाउंट सेक्शन हो, सबका रिकॉर्ड इन्हीं के पास होता है। जो कंप्यूटर सेक्शन जो डिपार्टमेंट होता है वो ड्राइंग या ड्राफ्ट, कुछ ड्राफ्ट्समैन होते हैं उनको डील करता है, जैसे ऑल एस्टीमेट्स, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट रेट चेक और बाकी आर चेक्ड आर बाय द कंप्यूटर, नेसेसरी ड्राइंग आर प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्ट्समैन एंड चेक्ड बाय द कंप्यूटर। अब जो जितने भी टेंडर नोटिस निकलनी है, टेंडर निकलना है, कॉन्ट्रैक्ट रेट निकलना है, सारा चीज़ कंप्यूटर सेक्शन देखेगा, और ड्राइंग भी जो बनाएगा उसको कंप्यूटर सेक्शन बनाएगा, बाकी चेकिंग का काम भी कंप्यूटर सेक्शन ही करेगा। ये सब होंगी बातें। अब आता है ये तो PWD की बात थी, अब आता है इरीगेशन डिपार्टमेंट। इरीगेशन डिपार्टमेंट में रेगुलर एंड मेंटेनेंस डिवीजन हैज रेवेन्यू सेक्शन। इरीगेशन डिपार्टमेंट हैव रेवेन्यू सेक्शनल डिप्टी DRO जो रेगुलर रेगुलर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम देखेंगे, उनका नाम क्या होता है, उनका पोस्ट जो होता है DRO का पोस्ट होता है, डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर। इन द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर एज द हेड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये जो होते हैं डिप्टी कलेक्टर होते हैं, डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर रैंक के होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के को जवाबदेही होगी। DRO किसको जवाब देंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। अंडर द DRO यानी इसके ऊपर कौन होता है, EXECUTI एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनके ऊपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं DRO। अब DRO के अंडर तीन लोग होते हैं, जिलेदार, अंडर जिलेदार ना, जिलेदार देर नहीं, अंडर द DRO देर आर जिलेदार, पहले इनके अंदर जिलेदार आएंगे, कितने होते हैं जिलेदार। अब जिलेदार के अंदर भी आएंगे आपका अमीन, अमीन अमीन के अंदर भी आएंगे पटवारी, ठीक, पटवारी। पेट्रोल्स रिकॉर्ड द एरिया इरीगेटेड एंड प्रिपेयर रिवेन्यू स्टेटमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ अमीन
जिलेदार NDRO. द रिवेन्यू फॉर द इरीगेशन वाटर इज कलेक्टेड बाय द कलेक्ट्रेट एंड तहसीलदार ऑन द स्टेटमेंट सबमिटेड बाय DRO. पटवारी लेखे जोखा काम करता है, कितना इरीगेशन, कितना जमीन सिंचाई वाली भूमि है उसका पूरा ब्यौरा देगा. उसके बाद अमीन क्या करते हैं, कलेक्शन करता है, जिलेदार को देता है, फिर DRO बजट बना करके किसको देता है, कलेक्टर को, जो तहसीलदार होता है. तहसीलदार के पास पूरा पैसा पहुंच जाएगा भैया. ठीक है, तो ऐसे हैं. फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट है, ऐसे करके इनके अंदर भी डिपार्टमेंट आते हैं. अब देखिए, जो डिविजनल इंजीनियर इज अ प्राइमरी डिसबर्सिंग ऑफिसर ऑफ द डिवीजन हु इज सप्लाइड विद चेक बुक ऑन द ट्रेजरीज आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड मेक पेमेंट बाई चेक टू द कॉन्ट्रैक्टर टू लेबर एट्सेट्रा. जो डिविजनल इंजीनियर होते हैं वही क्या होते हैं, डिसबर्सिंग ऑफिसर होते हैं अपने डिवीजन के, जो क्या करते हैं, काम होने के बाद यही चेक पास करते हैं जो ट्रेजरी में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता है और कॉन्ट्रैक्टर के लेबर्स के पेमेंट होते हैं. ठीक है, अब एक आता है हमारे पास, होता है एक बिल होता है रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट. रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट आर इंक्लूडेड इन द रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट. बोलता है कि इन डिपार्टमेंट में चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो या टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है यानी प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, वो रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में आते हैं. देयर सैलरीज एंड अलाउवेंस आर ड्रॉन मंथली ऑन रेगुलर पे बिल्स फ्रॉम द ट्रेजरी. इसमें उनकी सैलरी और जो भी अलाउवेंस हैं यानी जो भी सुविधाएं हैं हर महीने ट्रेजरी के माध्यम से पूरा उनका भुगतान किया जाता है. ठीक, द पेमेंट टू ईच इज मेड आफ्टर टेकिंग रिसिप्ट ऑन द पे बिल. द सैलरी इज मेड फ्रॉम द बजट ग्रांट अंडर द हेड एस्टेब्लिशमेंट. यानी जैसे ही हमारे मतलब बजट के अंदर बजट आया, बजट के बाद उनको सैलरी को भुगतान किया जाता है. द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आर नॉट लाइएबल फॉर रिट्रेचमेंट एंड दे आर एंटाइटल्ड फॉर लीव पेंशन एंड अदर एंटिटीज एज पर सर्विस रूल. बोलता है कि जो परमानेंट होते हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आर नॉट लाइबल, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए रिट्रेचमेंट नहीं होता है, क्योंकि उन्हें छोड़ने पर जब उनकी नौकरी जॉब जाती है तो नहीं उन्हें पेंशन मिलता है, नहीं कुछ पैसे जो लीव कर छोड़ने पर मिलते हैं वो मिलते हैं, नहीं कोई अदर सर्विस नहीं मिलती है. द टेम्प्रेरी एस्टेब्लिशमेंट आर इम्प्लॉय वेन द वर्क इज इंक्रीज एंड देयर सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विद प्रॉपर नोटिस पर रूल. जो टेम्प्रेरी बेस पे होते हैं एम्प्लॉय, उन्हें जब कभी वर्क बढ़ता है, ठीक, तो उन वर्क बढ़ता है या फिर कम होता है या फिर हमारे परमानेंट एम्प्लॉय बढ़ जाते हैं तो उनकी सर्विस को यहाँ पर टर्मिनेट किया जाता है विद एनी टाइम, किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक बचता है हमारे पास एक्वेटेंस रोल. एक्वेटेंस रोल द पेमेंट ऑफ सैलरी टू पर्सन ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट वर्किंग आउट स्टेशन इज ड्रॉन ऑन द रेगुलर पे बिल, बट द पेमेंट इज मेड ऑन सेपरेट रिसिप्ट फ्रॉम नोन एज एक्विटेंस रोल. बोलता है कि जो सैलरी का पेमेंट होता है किसी रेगुलर पर्सन का, रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत जो काम करता है वो उस आउट स्टेशन मतलब जहाँ पे जॉब करता है उसके अलावा, तो उसका जो पेमेंट होता है उसके एक अलग रसीद मिलती है उसे, जिसे हम बोलते हैं एक्विटेंस रोल. आफ्टर टेकिंग ड्यूली स्टैम्प्ड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, उसके दोहरा मतलब डबल द्वार सिग्नेचर के द्वारा ये मिलता है. फिर द एक्विटेंस रोल इज एन रिसीप्ट इन एविडेंस ऑफ पेमेंट इज अ प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम हैविंग 5 columns एज आइटम नंबर नेम डेजिग्नेशन नेट अमाउंट पेबल एंड डेटेड सिग्नेचर. यानी उसमें ड्यूली साइन किया जाएगा, आपका एक तरह से एविडेंस होता है और उसमें आपका
नेम लिखा जाएगा, डेजिग्नेशन लिखा जाएगा कितना पेबल अमाउंट हो रहा है, और सिग्नेचर कराएगा विद डेट। द एक्विटेंस रोल इज प्रिपेयर्ड फॉर द टोटल अमाउंट एज पर एस्टेब्लिशमेंट बिल आर पास्ड बाय द ड्रॉइंग ऑफिसर। जो एक्विटेंस बिल है उसमें आपका टोटल नेट अमाउंट पेमेंट जितना है वो लिखा जाएगा और पास किया जाएगा ड्रॉइंग ऑफिसर के द्वारा। एक आता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, ये सब आपके पेपर में दो दो नंबर में, तीन तीन नंबर में थ्योरी आती है। एस्टेब्लिशमेंट, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, देखिए वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट आर द एम्प्लॉय हु आर एम्प्लॉयड डायरेक्ट ऑन द वर्क फॉर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक वर्क आर फॉर द सुपरविजन ऑफ द डिपार्टमेंटल लेबर स्टोर्स मशीनरीज एट्सेट्रा। जैसे कि होता है किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड किया जाता है किसी भी वर्क के सुपरविजन के लिए, जैसे लेबर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, मशीनरी डिपार्टमेंट, तो उसे उसे क्या होता है एक चार्ज मिल जाता है उस चीज़ का। तो यूजली वर्क सुपरविजर्स चौकीदार मेट मिस्त्री एट्सेट्रा आर एम्प्लॉयड एज वर्क इन चार्ज वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। जैसे वर्क सुपरविजर चौकीदार मेट मिस्त्री इन सब को क्या बोलते जाता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। देयर पे इज चार्ज डायरेक्ट टू द वर्क फॉर विच प्रोविजन इज मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द वर्क बाय एडिंग 2% to 3%। जितना भी आपका एस्टिमेट होगा पूरे प्रोजेक्ट का उसका 2% से 3% उनको पेमेंट किया जाता है, क्योंकि रखवाली इंचार्ज वही होते हैं, ठीक है, चौकीदार हो गए, मिस्त्री हो, जो भी है, मेट हो गया, जो भी पूरे मशीनरी का या फिर पूरे प्रोजेक्ट के सामानों का देख रेख करेगा उसी को बोलते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ये पूरे कॉस्ट का, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2% से 3% तक इनका बिल बन पेमेंट होता है, अलग जोड़ा जाता है। जैसे आपका 10 लाख का पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 10 लाख में 10 लाख का 2% निकालेंगे, उतना आएगा आप जो वर्क चार्ज एस्टेब्लिश में वर्क चार्ज में रखे रहेंगे, चौकीदार होगा, मेट होगा, उसी को पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी थ्योरी की क्लास, न्यूमेरिकल क्लास प्लस थ्योरी क्लास वन बाय वन चलती रहेंगी। अभी इतना क्लास लीजिए, ओके, धन्यवाद।